वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। हमने 6 रूल्स इस वीडियो में ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे के 7 से लेके 15 तक रूल्स डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पिछला अच्छा लगा होगा, आपने उससे कुछ सीखा होगा। और अगर आपने अभी तक वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई बटन पे और इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके भी उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं और जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको ये वीडियो रोकने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो का पूरा देखें और उसके बाद उस वीडियो पे जाके फर्स्ट 6 रूल्स को कवर कर सकते हैं। सो हे गाइस, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं बता दूँ कि हम यहाँ डिस्कस करते हैं वर्ड पावर मेडिजी के वर्ड्स, निमोनिक्स, ग्रामर और सेल्फ हेल्प रिलेटेड वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 से लेके 6 तक की हमने बात कर ली थी कल, कि अगर सिंगुलर नाउन हो, प्रोनाउन हो, तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होता है। वैसे ही इज एम आर की जगह पे आर एम, आर और एम की जगह पे इज, डू की जगह पे डज और हैज़ की जगह पे हैव दे के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है। कोई भी अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों तो हमेशा प्लूरल यूज़ होता है, लेकिन अगर उनसे पहले ईच एंड एवरी आ जाए तो सिंगुलर होता है। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरिज, जब ये सिंगुलर मीनिंग देते हैं तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, इज़ का यूज़ होता है। अगर ये अलग अलग सेंस देते हैं तो प्लूरल का यूज़ होता है। उसके बाद है कि अगर नाउन एंड प्रोनाउन एज वेल एज एडिशन, इन एडिशन टू, बिसाइड, लाइक, अनलाइक, इनसे जुड़े हुए हों तो डिपेंड करता है आपका वर्ब फर्स्ट पर्सन नाउन या प्रोनाउन, जैसे यू एज वेल एज योर सिस्टर वर इन द रॉन्ग। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि नॉट ओनली बट आल्सो या नीदर नोर इधर और हो, तो सब्जेक्ट जो है सेकंड वाला यानी बट आल्सो, नॉर या और के पास जो सब्जेक्ट होता है उस पर हमारा वर्ब डिपेंड करता है, इतना हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद ये भी था कि नॉट बट या फिर नॉट हो तो जो नॉट से दूर वाला सब्जेक्ट रहता है उस पर हमारा वर्ब डिपेंड करता है सेंटेंस का, जैसे नॉट शी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी, तो यहाँ से जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट हर फ्रेंड्स उस पर डिपेंड करेगा। वैसे शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज़ गिल्टी, तो शी यहाँ नॉट से दूर है तो इस पर डिपेंड करेगा। अब बात कर लेते हैं 7th रूल की, कि अगर कोई सब्जेक्ट ईच, ईदर, नीदर इससे जुड़ा हुआ हो, इससे स्टार्ट होता हो, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे आई इन्वाइटेड 2 बॉयज़ बट नीदर हैज़ कम, मैंने 2 लड़कों को बुलाया पर दोनों में से कोई नहीं आया, तो नीदर का सेंस ही आता है कि दोनों में से कोई नहीं। ईच की बात करते हैं, ईदर की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, तो हमेशा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट रूल है ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, इन सब के बाद में अगर नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे ईच ऑफ द मैंगोज इज़ राइप, वन ऑफ देम हैज़ प्लेड वेल, जो हर एक जो आम था वो क्या था, राइप था। राइप का मतलब उसको पका दिया गया, तोड़ने के लिए तैयार था, तोड़ लिया गया था। और उसके बाद है वन ऑफ देम हैज़ प्लेड वेल, उनमें से एक ने क्या अच्छा खेला, तो वन ऑफ देम हैज़, वन ऑफ मैंने उनमें से एक, तो वन आ गया इसलिए यहाँ पे हैज़ का यूज़ हो रहा है। वैसे ईच का मतलब क्या, हर एक, तो हर एक का एक सेंस आ रहा है जहाँ पे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सिंगुलर हो जाएगा। ये डिपेंड नहीं करेगा मैंगोज पे या ये डिपेंड नहीं करेगा देम पे, देम प्लूरल है, मैंगोज भी प्लूरल है, लेकिन हमें ईच ऑफ और वन ऑफ देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद 3rd है द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ़ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी टू अटेंड द क्लासेस एवरी डे, जो टीचर थे उन्होंने उनसे अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या उनमें से सब क्लास लेने के लिए तैयार हैं हर एक दिन, क्या उनमें से सब रोज़ क्लासेस लेने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे आप एरर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी वन ऑफ देम, ईच वन, एवरी वन, हमने अभी डिस्कस किया रूल है, ईच वन, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, उसके बाद क्या, सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया है,
यहाँ पे वर्ग का यूज़ नहीं होगा, वॉज का यूज़ होगा. एवरी वन ऑफ देम वॉज रेडी टू अटेंड. तो पार्ट सी में एरर है. सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, भले ही प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा. ईच वन और एवरी वन ये सब के बाद में. नेक्स्ट है, इफ़ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, देन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड. ये भी बहुत अच्छा रूल है. कुछ तो देखिए सिंपल है, जिसमें वन वन आ रहा है तो आप वैसे ही याद रख लो कि वन है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा. फिर उसके बाद जो बचे हैं उस पर आप सेंस देख लो. एवरीबडी, एवरीबडी मतलब हर एक पर्सन, तो उसको हिंदी में मीनिंग देख लो. समबडी हर एक, नोबडी कोई नहीं यानी कोई भी पर्सन नहीं, एनीबडी यानी कोई एक पर्सन, समवन कोई एक. तो एक जहाँ पे आ रहा है हिंदी में भी, तो ऑटोमेटिकली उसके पता चल जाएगा कि वर्ब क्या है, सिंगुलर है. तो एवरीबडी नोज़ दैट द अर्थ इज़ राउंड, सब कोई जानते हैं कि धरती गोल है. तो नोज़ यूज़ हुआ है यहाँ पे, सिंगुलर. नेक्स्ट है, एवरीबडी अमंग योर फ्रेंड्स लाइक्स प्लेइंग, आपके दोस्तों में से हर कोई खेलना पसंद करता है. तो लाइक की जगह लाइक्स यूज़ हुआ है, सिंगुलर. टेंथ रूल है, इफ़ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ मैनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू, देन प्लूरल वर्ब विल बी यूज. अगर सब्जेक्ट में मैनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू का यूज़ हुआ है तो ऑटोमेटिकली वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंस ही एक से ज़्यादा है. मैनी का मतलब ही क्या होता है, एक से ज़्यादा. बोथ का मतलब दो, फ्यू का मतलब भी थोड़े से, अ फ्यू का मतलब भी थोड़े से. तो अपने आप ही इसका जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा. बोथ आर हैप्पी, दोनों खुश थे. मैनी वर इन्वाइटेड बट अ फ्यू हैव कम, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया बट कितने हैं, थोड़े से ही आए. तो यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है अ फ्यू के बाद, और बोथ के बाद आर का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट रूल है, बोथ ऑफ अ फ्यू ऑफ मैनी ऑफ आर फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब. अब वही सेम है कि बोथ ऑफ है, अ फ्यू ऑफ है, यहाँ पे ऑफ लग गया. यहाँ सिर्फ हम लोग बोथ और फ्यू, अ फ्यू की बात करते हैं, यहाँ पे ऑफ लग गया. तो इसके बाद भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा. मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन, बहुत सारे पेड़ क्या थे, हरे थे. तो मैनी का मतलब ही प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब भी प्लूरल होगा. उसके बाद है, मैनी अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी, इनके बाद भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा. सेंस से ही पता चल रहा है, अ ग्रेट मैनी मतलब बहुत सारे, मैनी का मतलब भी बहुत सारे, तो अपने आप ही वर्ब प्लूरल हो जाएगा. तो अ ग्रेट मैनी बॉयज़ आर सिटिंग देयर, वहाँ पे क्या थे, बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे. लेकिन अब अगर इसके पहले अ का यूज़ हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर नाउन हो जाएगा. आपको नाउन प्रोनाउन का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे प्लूरल आ रहा है, कहाँ पे सिंगुलर आ रहा है. मैनी अ पेन इज रेड, अगर मैनी के बाद में अ आ गया तो जो हमारा ये प्रोनाउन था वो भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर. क्यों, क्योंकि हमने पहले पहले आगे यूज़ किया है अ ग्रेट मैनी, तब तो नहीं, लेकिन मैनी के बाद में अगर ए या एन का यूज़ हो गया तो सिंगुलर प्रोनाउन भी हो जाएगा और सिंगुलर वर्ब भी हो जाएगा. इसी तरीके से अगला देखते हैं, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, इनके बाद में भी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा. जैसे अ नंबर ऑफ बसेस इज़ इंक्रीजिंग, बहुत सारी बसेस जो हैं, नंबर ऑफ मतलब बहुत सारी बसेस जो हैं बढ़ रही हैं. तो यहाँ पे प्रोनाउन बसेस हैं वो भी प्लूरल हैं, और इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा. बसेस आर इंक्रीजिंग, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन. उसके बाद 14th रूल, रूल नंबर 14 है, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ ऑफ, इनफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, सब का मतलब वही है, प्लूरल है, बहुत सारे, बहुत सारे, है ना, कुछ या बहुत सारे, तो एक से ज़्यादा का सेंस दे रहे हैं. तो अगर तो ये काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा. जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, ये हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि सभी आदमी क्या है, मॉर्टल है. मॉर्टल का मतलब क्या होता है, नश्वर. तो ऑल है तो मैन का हम लोग क्या यूज़ किया, प्लूरल यूज़ किया है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर. उसी तरीके से नेक्स्ट है, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर देयर,
बहुत सारे प्लेयर्स क्या थे, वहाँ थे। तो लॉट्स ऑफ के बाद में प्लेयर्स क्या है, प्लूरल यूज़ किया है, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आया है, वर्ब भी प्लूरल है। उसके बाद बट इफ़ अनकाउंटेबल नाउन इज सिंगुलर देन वर्ब आल्सो भी सिंगुलर। यहाँ तो हमने काउंटेबल की बात कर ली थी, मैन भी काउंटेबल, प्लेयर्स भी काउंटेबल, पर मनी और मिल्क, वाटर, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, जब भी अनकाउंटेबल नाउन की बात होती है तो कभी भी हम उसको प्लूरल नहीं मानते, हमेशा सिंगुलर मानते। आइडिया है, थॉट है, कुछ भी जो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, थ्रेट है, टेरर है, कॉन्फिडेंस है, इन सबको हम लोग सिंगुलर काउंट करेंगे। तो सम मनी इज़ नीडेड, थोड़ा सा धन तो धन की आवश्यकता है। लॉट्स ऑफ मिल्क इज़ अवेलेबल, बहुत सारा दूध क्या है, अवेलेबल है। तो मनी अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर यूज़ हो गया हेल्पिंग, ये वर्ब। मिल्क भी क्या है, अनकाउंटेबल, तो वर्ब इज़ क्या है, सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट है हॉल ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, थ्री फोर्थ्स ऑफ, अगर इनके बाद में काउंटेबल नाउन आता है तो कनेक्टेड वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि टू थर्ड्स यूज़ हुआ है, थ्री फोर्थ्स यूज़ हुआ है, वन थर्ड यूज़ हुआ है, तो एस और एस कहाँ पे लगा है, जब प्लूरल यूज़ हुआ है तब। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में इन सब के बाद में जब हाफ़ कर दिया, तो हाफ़ को हम लोग टू में कंसिडर करें कि एक चीज़ को हमने दो टुकड़ों में बांट दिया, या वन थर्ड कर दिया तो एक चीज़ को तीन टुकड़ों में बांट दिया, भले ही वन आ रहा है लेकिन वन थर्ड ऑफ का मतलब क्या है, एक चीज़ को तीन टुकड़ों में, तो हम लोग उसको प्लूरल ही कंसिडर करेंगे। जैसे हाफ ऑफ द होटल्स आर क्लोज टूडे, आधे से ज़्यादा जो होटल थे वो आज बंद हैं, तो इसका मतलब क्या है, बाकी आधे क्या हैं, खुले हुए हैं। तो इसलिए हम लोग जो आधे जो होटल्स बंद हैं वो तो प्लूरल हो गए, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, आर प्लूरल। ठीक है, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, जैसे मिल्क, मनी, पावर, थॉट्स, है ना, तो वो क्या है, हम लोग अनकाउंटेबल कंसिडर करते हैं। तो टू थर्ड्स ऑफ द लैंड हैज़ बीन प्लॉट, जो दो तिहाई ज़मीन था वो क्या था, उसकी जुताई कर दी गई थी, है ना, उस पर खेती कर दी गई थी। तो जो लैंड है वो क्या, अनकाउंटेबल है। तो भले हमने यहाँ पे टू थर्ड्स यूज़ किया है, लेकिन हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, और हैव की जगह पे हैज़ यूज़ होगा यहाँ पे, तो लैंड हैज़ बीन प्लॉट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रूल है, मोर देन वन इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। अगर मोर देन वन कहीं पे यूज़ होता है तो हमेशा याद रखना। अब वन से ट्रिक क्या देखो, कभी भी ये वन या अ जो है पहले आता है स्टार्टिंग में तब तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन बाद में आता है तो सिंगुलर रहता है। तो मोर देन वन रूम इज़ वैकेंट, एक से ज़्यादा कमरे क्या थे, खाली थे। लेकिन मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस वन का यूज़ हो तो वहाँ पे वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। मोर टीचर्स देन वन आर लेट, यहाँ पे क्या है, इन्होंने अगर पहले ही प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ कर लिया जाए, नाउन का यूज़ कर लिया जाए, तो हम लोगों को वहाँ पे आगे प्लूरल वर्ब का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले डिफाइन कर दिया है। तो अगर नॉर्मली इसमें ये इस तरीके से नहीं देता है, ऊपर वाला ही देता है मोर देन वन, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि वन आ रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली इस आएगा, क्योंकि ये वन पे डिपेंड कर रहा है। इसमें क्या टीचर्स पे आ गया कि एक से ज़्यादा टीचर्स जो थे वो लेट थे, इसका मीनिंग भी देखें तो एक से ज़्यादा लेट थे ना, तो आ आएगा। लेकिन वहाँ पे मोर देन वन रूम इज़ वैकेंट, एक से ज़्यादा रूम खाली है, तो वन है, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगले वीडियो में हम बाकी के बचे हुए रूल डिस्कस करेंगे, और हो सके तो कुछ क्वेश्चन लेंगे, नहीं तो उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।